गुड मॉर्निंग एवरीवन तो एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं बैंक यूट्यूब चैनल पे मेरा नाम है सचिन मोदी और आज अपन यहां पे करने वाले हैं अपने डे थर्टीन को एस बी आई क्लरिकल मीन का डे थर्टीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाइस इसकी जितनी भी सीरीज है जितने भी सेशन में आपके लिए अब तक लेके आया हूं हर सीरीज के अंदर हमेशा कोई नया पैटर्न होता है कोई नया क्वेश्चन होता है ये जो नया पैटर्न है ये नया क्वेश्चन है आपकी तैयारी को इनहेंस करेगा आपकी तैयारी को एज देगा प्लस करेगा ठीक है तो सबसे पहली बात यहां पे वेलकम करते हैं कुछ नए बच्चों का क्योंकि आज मुझे लगता है कि हमारी आज क्लास के अंदर कुछ नए बच्चे हैं जो पहली बार हमारी क्लास के अंदर आए हैं तो मैं सभी का वेलकम करता हूं सेकेंड थिंग ये भी कहना चाहूंगा प्लीज वो भी एक बार प्लस वन कर सकते हैं कि यस सर आई एम अ न्यू मैं यहां पे पहली बार आया हूं आपकी क्लास में मैं पहली बार यूट्यूब पर आया हूं राइट तो वो भी एक बार जरूर लिखे और स्टार्ट करते हैं यहां पे देखो आप एक सेशन देख रहे होंगे इसमें दो इमेज दिख रही है एक इमेज में आपको लग रहा है यहां पे कि सुबह आठ बजे क्लास होती है जो कि क्लेरिकल की मेंस की क्लास होती है राइट क्लरिकल right? की क्लास होती है वो भी सुबह आठ बजे होती है राइट और अगर आप चाहते हैं कि यस सर मैं मैं प्री प्री भी देखना चाहता चाहता हूं हूं में पढ़ना आपसे तो आप देख सकते हैं कि प्री की क्लासेस भी चल रही है और प्री की क्लासेस चल रही है दोपहर में दो बजे ये करीब 90 मिनट की क्लास डेली होती है 90 मिनट की यानी डेढ़ घंटे की क्लास डेली होती है तो अगर आप इन दोनों तैयारियों को एक साथ नहीं कर रहे हैं केवल एक कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं यह ध्यान रखिएगा मैं आपसे एक साथ कह रहा हूं इन दोनों की तैयारी आपको एक साथ करनी ही है सिलेक्शन के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा होंगे लेकिन अगर केवल एक कर रहे हो दूसरा बाद में करने की सोच रहे हो सिलेक्शन के चांसेस आप खुद कम कर रहे हो तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको दिमाग में रखिएगा ओके गाइज रेडी ओके कुछ बच्चे तो जान बुझ के प्लस वन लिख रहे हैं अरे यार आपको नहीं जो नए बच्चे हैं ना एक्चुअली उन्हीं की बात कर रहे हैं चलो स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ते हैं हाँ जी एक और बात जो एक इंफॉर्मेशन है आपको देना चाहता हूं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स आपसे भी जानते हैं कि प्लस के लिए आप हमेशा पढ़ने की कोशिश करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं आपको भी वो पता है कि अगर आप एक साल के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो दो महीने आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर आप दो महीने दो साल के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो आपको चार महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं लेकिन इस बार इन दोनों के साथ में आपको पच्चीस तक के जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको मिल रहे हैं यानी इसके अंदर आपको 50 से ज्यादा नए टेस्ट हर महीने मिलेंगे हर महीने ध्यान रखना एवरी मंथ 400 से ज्यादा सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे सेक्शनल यानी कि रीजनिंग 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 मैथ्स मैथ्स इंग्लिश 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 राइट इसी तरह से डिटेल्ड एनालिसिस होगा यहां पे क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करवाया जाएगा डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे फॉलोअप क्लासेस के थ्रू बूस्टर क्लासेस होंगी ताकि आपके स्कोर को एनहेंस करें और फुल सब्सक्रिप्शन आपके पास में रहेगा सो गाइज अगर आपने नहीं किया है यूजिंग कोड आप आज ही अपने आपको अन अकेडमी प्लस पर रजिस्टर कर सकते हैं सेकेंड थिंग यहां पे देखिए 99% आपको एक तरह से ऑफ मिल रहा है आपकी आरबीआई की तैयारी का और नाबार्ड फेज टू की तैयारी के लिए राइट right? तो ये इंफॉर्मेशन है जो आपको देना चाहता था मैंने आपको इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी है अगर आपको लगता है कि ये दोनों इन्फॉर्मेशन पॉजिटिवली हमारे लिए बेहतर है हमारे तैयारी के लिए बेहतर है यूजिंग द कोड सचिन यू विल गेट टेन परसेंट डिस्काउंट आप आज ही प्लस पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करना है ये जरूर याद रखिए सबको अगर कोड मांगे तो अप्लाई कर सकते हैं सचिन टेन लेकिन कॉम्बैट देना ही है ये याद रखिए आप सबको देना है ना फ्री टेस्ट है कोई चार्जेस नहीं है नो चार्जेस ओके लेट स्टार्ट आगे बढ़ते हैं हाँ जी चलो इसके ऊपर बाद में बात करते हैं लेट स्टार्ट अपनी फ्री क्लासेस होती है रोज रात को नौ बजे अन अकेडमी पे ठीक है फ्री क्लास है अगर कोड मांगे तो बस अप्लाई कर देना सचिन टैन अगर आपसे कोड मांगे तो सचिन टैन कोड अप्लाई कर दीजिएगा ओके रेडी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग लेट स्टार्ट सब बच्चे लिखेंगे कमेंट सेक्शन में रेडी आज अपन करने वाले हैं अपना डे थर्टीन मेंस का लिखिए कमेंट सेक्शन में गाइस और आज अपना टारगेट होगा 60 प्लस 70 प्लस जाने का राइट right? तो आज हम 70 प्लस तक चलने की कोशिश करेंगे आज हम पूरी ताकत लगाएंगे आप और मैं बेस्ट कंटेंट मेरी गारंटी ठीक है सपोर्ट की गारंटी आपकी ओके okay? लिखो सब लोग कमेंट सेक्शन में यस सर वी आर रेडी हम तैयार हैं डे थर्टीन के लिए कमऑन <coughs> रेडी कशिश सोनाली प्रिया अंकित संचित अर्पित सोनाली मोनिका लक्ष्मी प्रमिला प्रभास प्रभास प्रिया ये प्रभास वही तो नहीं है जो साउथ का सबसे बेहतरीन एक्टर है बाहुबली वाला देखो भैया गारंटी कर देना पता बता देना कंफर्म नहीं बाहुबली वाला एक्टर होगा तो यार वेलकम अलग तरीके से करना पड़ेगा चलो मैदान कर रहा हूं चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन इट्स कोडिंग डिकोडिंग लास्ट ईयर आपके इसी पैटर्न पे कोडिंग डिकोडिंग पूछी गई थी ओके सो लेट्स डू इट करिए टाइम दे रहा हूं इसके लिए आपको मैं <coughs> इसको पहले आप पढ़ सकते हो देखो पहले आप पढ़ लो एक मिनट है केवल एक मिनट दे रहा हूं केवल रीड करने के लिए रीड करने के लिए केवल पढ़ने के लिए समझ रहे हो केवल पढ़ने के लिए एक मिनट पढ़ लो फटाफट से पढ़ लो फटाफट से बहुत सिंपल हिंदी है वो सिंपल इंग्लिश है फर्स्ट लेटर बोथ फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर फर्स्ट लेटर बोथ फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर सिंपल सिंपल है बहुत सिंपल है एक मिनट पढ़ने के लिए पढ़ लिया सबने पढ़ लिया है हाँ जी सबने पढ़ लिया एवरी वन कमॉन गाइज कमॉन चलो तो फिर अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं देखिए ये पहला क्वेश्चन है ओके कंडीशंस मैंने यहां पे भी लिखी है चिंता मत करिए यहां लिखी है क्योंकि मुझे पता है सब कुछ एक मिनट में नहीं लिख सकते हो आप थोड़ा भूल जाओगे अब आपको मिलेंगे यहां पे करीब 90 सेकंड, इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए 90 सेकंड है आपके पास ओके लेट्स डू इट क्रैक करिए पिक्सल सेट कर लो ब्लर दिख रहा है तो 90 सेकेंड कंप्लीट आंसर ए या सी ओके ए और सी तो एक जैसा ही है ओके okay. सेम ही है कुछ चेंजेस रह गया सेम है ए और सी सेम है ठीक है तो आप ए और सी में से कुछ भी कर सकते हैं ए और सी सेम है हाँ ई नन सेम है हाँ सेम है ये और ये सेम है चेंज करना रह गया कुछ शायद में ओके okay. <coughs> और कोई देखो हाउ टू सॉल्व ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा जब भी आपको यह पैटर्न एग्जाम में मिले ना ठीक है जिसमें क्या कहे कि एक अल्फाबेट सीरीज जिसमें से ए से लेके जेड तक हर एक लेटर दिए गए हैं और यहां पे एक वर्ड यूज कर रहा है एक्सेप्ट यानी वोवल को छोड़ दो ए से लेके जेड तक लेकिन वोवल छोड़ देना आगे बोल रहा है उसको सबको डिफरेंट नंबर असाइन किए गए हैं और वो भी तीन से लेके नौ तक यानी कि अगर आपसे बोले ए है बी है सी डी ई एफ जी एच ठीक है आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और देन वाई जेड क्या बोल दे वाई एंड जेड तो आपको केवल वोवल छोड़ देना है वोवल छोड़ के हर एक जो भी है उन सबको एक डिफरेंट नंबर देंगे तीन से लेकर नौ तक जैसे इसने क्या बोला कि बी को हम कोड कर रहे हैं तीन और सी को कोड कर रहे हैं चार ठीक है यानी कि तीन चार पांच छ सात आठ ठीक है नौ फिर आ गए तीन चार पांच छ सात आठ और देन नौ फिर आ गए तीन चार पांच छ सात आठ और देन नौ अब देखो मैंने केवल वोवल छोड़ दिया देखो दूसरा वोवल यहाँ छोड़ दिया तीसरा वोवल यहाँ छोड़ दिया चौथा वोवल यहाँ छोड़ दिया और पांचवा वोवल यहां छोड़ दिया मैंने केवल सारे के सारे वोवल छोड़ दिए है ना और सारे वोवल छोड़ करके मैंने हर एक को एक नंबर दे दिया अब यहां पे जैसे ही इतना कह दे उसके बाद देखो अगेन दो नंबर गेट रिपीटेड फोर के थ्री और एल फोर तो देखो के थ्री आ रहा है और एल फोर आ रहा है यानी कि जैसे नाइन खत्म हो जाए फिर आपको तीन से नाइन फिर खत्म हो जाए तीन से नाइन फिर खत्म हो जाए तीन से नाइन तब तक करेंगे जब तक कि जेड पूरा नहीं हो जाता जेड की चाहे नंबरिंग जरूरी नहीं है नो पे खत्म हो इट कैन बी फिनिश ऑन एट इट कैन बी फिनिश ऑन सेवन इट कैन बी फिनिश ऑन सिक्स

तो यहां पे वोवल फिक्स नहीं किए हैं लेकिन कॉन्सोनेंट को इसने फिक्स कर दिया है यहां तक क्लियर है <coughs> <coughs> क्लियर है यहां तक यहां तक सारी बात समझ में आ गई जो मैंने आपको समझाया है एक बार कमेंट सेक्शन में बोलो यस सर यहां तक सब क्लियर है गाइस हर एक चीज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं डू नॉट वरी घबराना नहीं है बस पूछ लेना दिक्कत हो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में लिख देना ये मान के चलना कि आपका पेड क्लास चल रहा है प्लस क्लास चल रहा है एक आपने पे किया ये मान के चलो लेटर आर कोडेड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अब जो लेटर कोड कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कोड कर रहा है कैसे देखिए भी कंडीशन आपको यहां दिख रही है ये जितनी भी आपको यहां पे दिख रही है ये सारी कंडीशन आपके इस क्वेश्चन के लिए है इस क्वेश्चन के लिए है ठीक है ये सारी की सारी कंडीशन और यही कंडीशन आपको आगे भी मिलेंगे अगर आगे और क्वेश्चन होंगे तो ये कंडीशन उस पर अप्लाई करनी है कैसे देखो फर्स्ट लेटर अगर एक कॉन्सोनेंट है है ना एंड लास्ट लेटर अगर एक वोवल है तो ये कंडीशन अप्लाई होगी कि नहीं होगी ये चेक करो सर वोवल के लिए छह सिंबल क्यों है अरे बेटा इसमें डिसाइड नहीं है कि कौन सा किसके लिए होगा इसने छ के या आठ रख सकता है आपको आठ में से पांच निकालने हैं समझ रहे हो एग्जामिनर पांच सिंबल देगा पांच ओवल देगा तो भी आप कर सकते हो वो आठ सिंबल देके के पांच ओवल दे रहा है तो आपको तीन पांच निकालने पड़ेंगे लेकिन पांच ओवल होके चार सिंबल नहीं देगा सिंबल ज्यादा दे सकता है वोवल ज्यादा नहीं दे सकता ऑब्वियसली बात पांच ही होंगे वो ओके आपको ढूंढना पड़ेगा अब आगे देखो

तो तीन कंडीशन आप अप्लाई नहीं कर सकते अब आपको चौथी अप्लाई करनी पड़ेगी क्या है पहला और लास्ट दोनों की दोनों कॉन्सोनेट है और देखो पहला भी है, भी है 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 लास्ट ना अगर पहला और लास्ट दोनों की दोनों कॉन्सेंट होता है तो क्या कह रहा है देन द इवन नंबर ऑफ द कोड इज रिप्लेस विद एट द रेट तो इवन नंबर जो भी होंगे ना वो सारे के सारे एट द रेट से कोड हो जाएंगे इवन नंबर एट द रेट से कोड होंगे देखो देखिए अब यहां पर आप समझो सी कितने पे आता है चार पे सी चार पे आ रहा है चार ईवन नंबर होता है कॉन्सोनेंट देखो एक वर्ड O N S O N A N T कॉन्सोनेंट। ठीक है यही है कॉन्सोनेंट वर्ड आपको दिया हुआ है एन कहा गया है ना अब यहां देखिए तो ईवन नंबर ऑफ द कोड इसने बोला इवन नंबर ऑफ द कोड कोड का जो इवन नंबर है वो एट द रेट से कॉपीड होगा तो यहां पे आप लिख दोगे एट द रेट राइट अब ओ के लिए हमारे पास कुछ नहीं है सब जगह एट द रेट आ रहा है ओ के लिए भी देखो सब जगह इसने ओम दिया हुआ है ओ के लिए ओम दिया हुआ है ना इसका मतलब आपका फिक्स हो गया कि ओम किसके लिए आएगा उसके लिए ही आएगा तो यहां पे ये ओम का सिंबल आ गया तो यहां पे ये भी ओम के सिंबल होगा यानी ओ यहां पे किससे कोड हो रहा है ओम से कोड हो रहा है इज दैट क्लियर क्योंकि यहां पे आपको ऑप्शन से ढूंढना पड़ेगा ऑप्शन से आपने ढूंढा है इज दैट क्लियर ठीक है अब आगे देखो इसके बाद एन आ गया एन कितने पे आता है एन आ रहा है छ पे छ पे आ रहा है ना एन अगर एन छ पे आ रहा है तो किससे कोड होगा एट द रेट से इसका मतलब ये भी एट द रेट से कोड होगा क्योंकि एन की वैल्यू चार है और चार एक इवन नंबर होता है और अगर ये इवन नंबर होगा तो कोड होगा एट द रेट से इज दैट क्लियर बात समझ में आ गई बात समझ में आ गई अब आगे आओ एस की बात करते हैं एस कितने पे आता है तीन पे आता है तीन इवन नहीं होता इसका मतलब है एस को आप एज अ लिख दोगे लिख दिया एन ऑलरेडी आपका एट द रेट है तो इधर भी एन एट द रेट ही होगा बदल तो नहीं जाएगा अब इसे क्रॉस चेक करो क्योंकि यहां पे भी एट द रेट होगा ये बदल तो नहीं जाएगा टी टी की बात करते हैं टी आता है चार पे जो चार पे आएगा तो ये किससे कोड होगा टी फोर पे आ रहा है फोर पे आ रहा है तो ऐट द रेट से कोड होना चाहिए तो ये एट द रेट से कोड होगा भाई एट द रेट से कोड होगा, होगा। बात समझ में आ गई अब एन अगर आ रहा है एट द रेट से कोड होगा एन चार है कि छह है एन छह मान लो कोई बात नहीं है एन छ है तो भी इवन नंबर ही रहेगा ठीक है एन अगर छ है तो भी इवन नंबर है एट द रेट से तो आपसे क्या बोला अब सुनो ध्यान से आपसे आप क्या बोला अगर पहला और लास्ट लेटर अगर कॉन्सोट है देन द द इवन नंबर ऑफ कोड इज बाय तो सारे के सारे इवन नंबर जो है ना वो सारे के सारे किससे कोड हो जाएंगे एट द रेट से कोड हो जाएंगे यहां तक क्लियर है हा हा एन छह पे है तो भी यार इवन नंबर ही होगा ना कोई बात नहीं है मैंने चार लिख दिया क्लियर है यहां तक अब एक ही बात है तो पहले मैं इतना चेक करूंगा भाई ओ तो मैंने यहां पे देख लिया कि ओ का कोड तो ओम हो गया अब मुझे ये ये क्रॉस क्रॉस चेक चेक करना है। चेक करना है है देखो एट द रेट ओम एट द रेट थ्री एट द रेट ओम एट द रेट थ्री एट द रेट ओम एट द रेट थ्री और फिर अगेन ओम क्योंकि पांचवें नंबर ओ है ये भी सेम है एट द रेट ओम एट द रेट थ्री एट द रेट ठीक है ओम और ये भी सेम है यहां तक सब सेम है यहां तक देखो सब में सेम चल रहा है सब में सेम चल रहा है

तीनों में कॉपीराइट है इसका मतलब है कि ये कहना चाह रहा है कि ए जब भी होगा तो आप इसे कॉपीराइट राइट से कोड कर सकते हो राइट चलिए तीनों में कॉपीराइट है लेकिन अगला यहां पे एट द रेट है यहां पे एट द रेट और यहां पे थ्री है और मेरा अगला क्या आ रहा है मेरा अगला तो ऐट द रेट आ रहा है मेरा अगला तो ऐट द रेट आ रहा है तो अगला एट द रेट आएगा तो यानी कि यह वाला ऑप्शन खत्म खत्म अब मेरे पास एट द रेट फोर और एट द रेट फोर आ रहा है जो कि दोनों सेम हो गए क्यों क्योंकि टी का फोर है और टी का अगर फोर होगा तो ऐट द रेट कोड होगा राइट right? क्लियर है इसका मतलब है अगर एट द रेट कोड होगा तो मेरे को तो ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ द कोड इवन नंबर ऑफ द कोड इज रिप्लेस विद एट द रेट तो अगर पहला और लास्ट अगर कॉन्सोनेट है तो जो जो इवन नंबर होंगे लेटर के वो सारे एट द रेट से कोड होने हैं यानी कि मेरा ये भी एट द रेट से कोड होना है यानी दो एट द रेट एक साथ होंगे राइट right? दो एट द रेट और दो एट द रेट एक साथ कहां पे ना है ना इसमें है ना इसमें है यानी ये भी रिजेक्ट होना है और ये भी रिजेक्ट होना है आंसर आएगा नॉन ऑफ दिस क्योंकि मेरे को दो एट द रेट एक साथ चाहिए थे इज दैट क्लियर जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में क्लियर है एंड आंसर यहां पे कॉपी राइट डाल के भी कर सकते हो एंड an आंसर आएगा ई e. क्योंकि मेरे को दो एट द रेट एक साथ चाहिए थे अब आप अपना अपना लॉजिक बोल सकते हो किसी को कुछ पूछ रहा है पूछ सकते हो आस्क मी एनी क्वेरी कोई क्वेरी है किसी की तो पूछिए प्लीज आस्क मी योर क्वेरी गाइस कम ऑन कम ऑन और थोड़ा वीडियो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को बुला लो दे ऑल्सो वॉन्ट टू प्रिपेयर मेन्स तो आप उन्हें बुला लीजिए मैं आप पूरी कोशिश करूंगा आपको बेस्ट कॉन्टेंट देकर के बेस्ट एक्सप्लेनेशन की पूरी ठीक है कोई क्वेरी <coughs> बिल्कुल वोवल के सिंबल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे क्योंकि यहां पे छह दिए हुए हैं सो so, डिसाइडेड विथ द हेल्प ऑफ ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन आपको यहां पे डिसाइड करना है डन है नो no क्वेरी नहीं सर पूरा क्लियर हो गया ग्रेट चलो इसको सॉल्व करिए सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन इसका आंसर दीजिए इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस्ड आंसर दो पजल नहीं बनते तो पजल भी बनाएंगे चिंता मत करो सॉल्व दिस <coughs> एक मिनट है आपके पास आंसर डी मोनिका अंकित लक्ष्मी मेरे बैच के लिए आप चले जाओ सुबह 10 से 12 दो घंटे का बैच चल रहा है यूजिंग द कोर्ट सचिन टेन ज्वाइन कर लीजिए देखो हर एक बच्चे का जो आंसर आया इस बार वो सेम आया एवरी वन इज सेम कि सर आंसर डी आएगा देखो आंसर डी आ रहा है सबका कमोन गाइड शेयर करिए कमोन आज अपना टारगेट है सेवनटी प्लस जाना है कमॉन जस्ट मेक अ प्लस चलना है सबको on, अब देखो वर्ड क्या दिया हुआ है इंट्रोड्यूस्ड आई एन टी आर ओ डी डी यू सी ई है ना कंडीशन अप्लाई करते हैं कंडीशन नंबर तीन अप्लाई हो रही है पहला क्या है वोवल है और लास्ट क्या कॉन्सोनेंट है, है अगर पहला लेटर एक वोवल होता है एंड लास्ट लेटर

यानी इधर भी ट्राइंगल चाहिए अपन को राइट right? और इधर भी ट्राइंगल चाहिए अपन को अब दोनों जगह ट्राइंगल चाहिए दोस्त तो कहां कहां पे वो दोनों जगह ट्राएंगल आएगा चारों ऑप्शन में देखो सब में देखो ट्राइंगल आ रहा है अब देखो एन आ रहा है एन अपना छ हो ही रहा था तो आ ही गया ठीक है इसके बाद टी देखो टी कितने पे आता है चार पे आता है तो यहां पर चार लिख दो तो ट्राइंगल सिक्स फोर ट्राइंगल सिक्स फोर इधर नहीं है ऑप्शन खत्म ट्राइंगल सिक्स फोर ट्राइंगल सिक्स फोर ट्राइंगल सिक्स फोर अब इसकी बात क्या रहा R आ रहा है आर रहा है आर पे आइए आर कितना नंबर पे आता है नो no नंबर पे आता है आर नो पे आता है तो आप लिखेंगे आर नाइन तो सिक्स फोर नाइन होना चाहिए सिक्स फोर नाइन इसमें है इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है अब या तो ये आंसर होना चाहिए या फिर कोई आंसर नहीं होगा ओके सर आई फॉलो योर क्लासेज डेली प्लीज लेट अस नो इफ मेन का ब्रेकअप क्या होगा वो भी बता देंगे आपको चिंता मत करो अब ओ क्या है ओ ओम से कोड हो रहा है तो ये ओम से आ गया डी का कोड कितना है पांच है तो यहां पे लिख दो पांच ठीक है यू यहां पे किससे कोड हो रहा है इसने हैश यूज किया है देखो हैश तो इसका मतलब समझ में आ गया सबके कोड क्वेश्चन से पता लग रहे हैं सी का कोड कितना था चार था तो यहां पर लिख दो चार चार आ रहा है और ई यहां पे एक नया है तो ये कोड है इट्स अ कोड देखो यहां पर और ये कोड हो गया ऐसा एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डी इज द आंसर डन है एवरी सबको क्लियर हो गया देखो सारे के सारे वोवल के कोड आपको कहां से मिले ऑप्शन से मिले ऑप्शन से मिले आपने अभी तक ऐसे क्वेश्चन जब भी किए ना तो वोवल के कोड आपको यहीं पे पता लग जाते थे लेकिन इस बार बस मैंने चेंज किया मैंने वोवल के कोड यहां नहीं रखे सीधे किस में रखे ऑप्शन में रखे कि आप ऑप्शन में ढूंढो और यहां मैंने जानबूझ के छह दिए ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा तो ठंडकेगा थोड़ी देर तो या तो रुकोगे आप क्यों अरे यार ये कैसे होगा आप कैसे होगा ये तो छह दे दिए पांच ही वो है क्वेश्चन गलत है आप ये सोचो तो ये सोचना है एग्जामिनर विल मेक यू यू नो अ डिफरेंट थिंग सेम पैटर्न को अलग तरीके से दे सकता है वो हमें वो समझना पड़ेगा है ना क्लियर है सब लोग बोलो यस सर क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है चलो अब आ गए आप किसके ऊपर देखो मैं बताता हूं ये कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका अजम्पन का इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अजम्पन पहली बात तो ये अजम्पन का क्वेश्चन है इसको रीड आउट करना और आराम से आंसर करना तसल्ली से आंसर करना जल्दी नहीं है ठीक है तसल्ली से आंसर करके बताना पहला सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा सही है जल्दी नहीं है और मैं आपको इसके लिए दूंगा तीन मिनट और एक बात बोलूं मैं मैं अभी भी बोल रहा हूं लास्ट के ट्वेंटी सेकेंड में आंसर करना लास्ट के बीस सेकेंड में अपना अपना आंसर पोस्ट करेंगे तीन मिनट दूंगा तसल्ली से पढ़ना सोचना समझना अज्यूम करना ठीक है अज्यूम करना और लास्ट के बीस सेकेंड में आंसर देना ठीक है चलो रीड आउट करो ये हिंदी इंग्लिश दोनों है टाइमर कहाँ गया <coughs> किसी को छुप रहा होगा ना हम्म हां भाई अजमछुर और इंट्रेंस अलग अलग होता है दो अलग अलग, अलग चैप्टर हैं कैसी कैसी बातें करते हो यार <coughs> अभिजीत ज़्यादा करो यार ज़्यादा करो ये मार्क्स दिलाएगा चलो अब पढ़ो इसको अब एक मिनट है इसको पढ़ो आंसर करो अब <coughs> अब तो आंसर दो भाई लास्ट के बीस सेकंड बोला था क्या लास्ट के एक सेकंड में आंसर करोगे क्या क्या सेकंड एंड थर्ड विक्रम दीपिका थर्ड ओके और कोई और कोई थर्ड थर्ड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कह रहे हैं सेकंड एंड थर्ड कुछ कह रहे हैं सेकंड और थर्ड आएगा ठीक है सेकंड एंड थर्ड एंड आर सेइंग कि केवल थर्ड आएगा अच्छा पता है अभी क्या हुआ अभी मैंने एक सीन देखा मतलब बहुत अजीब लगा मुझे को लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है शेयर करता हूँ समझना इस बात को ये एक लाइन है ठीक है इधर से इधर जाओगे इस तरफ स्टार्ट होती है आपकी मेंस की तैयारी मेंस की प्रेप प्रेपरेशन और यहां से आगे थोड़ा और जाओगे तो यहां हो जाएगा क्लियर है ना यहां पे आपका एग्जाम हो जाता है क्लियर सुनना मेरी बात यहां पे आपकी तैयारी चल रही है प्री की सम स्टूडेंट लाइक कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं लाइक like, आप में से ही कुछ बच्चे लाइक like, वो यहां पे आते हैं यहां तक जाते हैं और यहां तक जाते हैं और क्लियर कर लेते हैं एग्जाम को लाइक राइट समझना इसको मतलब बहुत डीप बात बता रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं वो यहां से यहां तक जाएंगे और फिर देन या तो यहां से सीधे यहां तक जाएंगे सीधे यहां तक जाएंगे कुछ यहां तक जाते हैं यहां से प्री से स्टार्ट करते हैं मेंस तक की तैयारी करते हैं क्लियर करते हैं एग्जाम को कुछ प्री से स्टार्ट करते हैं और मेंस तक की तैयारी करते हैं और एग्जाम क्लियर कर लेते हैं ये मेरे साथ भी होता है कि लाइक कुछ मेरे बच्चे हैं जो यहाँ से यहाँ जाएंगे मेंस की तैयारी करके एग्जाम क्लियर कर लेंगे कुछ मेरे बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ से मेन्स की तैयारी कर पाएंगे लेकिन कई बार नहीं निकलता कुछ क्या होते हैं वो मेरे या सबके वो आते हैं इस लाइन को टच करते हैं और वापस लौट जाते हैं आते हैं इस लाइन को टच किए और वापस लौट गए मतलब मुझे समझ में नहीं आता यार ऐसा क्यों घुसो तो सर मेंस की तैयारी में बिना उसे कैसे होगा तुम्हें तो घुसना पड़ेगा यहां पर आके अगर आप फेल हो जाते हो किसी का भी एग्जाम नहीं निकलता इट्स अ डिफरेंट थिंग यार आपका ये एग्जाम है है ना हम मेहनत करेंगे पूरी कोशिश करेंगे निकालने की कुछ निकाल ले जाते हैं कुछ रह जाते हैं पर जो रह जाते हैं वो अगेन फाइट करते हैं और वो यहां पे आ जाते हैं पर जो लाइन ही टच नहीं कर रहा है आगे नहीं बढ़ रहा है वो पीछे चला जाता है तो वो कैसे एग्जाम क्रैक करेगा क्लियर है और फिर लगते हैं छ साल पाँच साल चार साल फिर लगते हैं तीन साल बैंक जॉब है यार आई ए एस दे रहे हो यूपीएससी की तैयारी थोड़ना कर रहे हो जो चार चार साल लगा रहे हो बैंक के एग्जाम्स की तैयारी में छः छः साल लगा रहे हो समझना इस बात को क्योंकि जो काम आप दो साल में तीन साल में नहीं कर पा रहे हो फिर वो कैसे कर लोगे चार साल में पाँच साल में चांसेस देखो परसेंटेज देखो रेशियो देखो दिमाग लगाओ पहले साल में घुस जाओ यार प्री में घुस जाओ मेन्स में घुस जाओ सिलेक्शन तक पहुंचो पहले ही साल में एकदम इतना घुस जाओ प्री मेन्स के अंदर कि देखा जाएगा एक साल के अंदर आपका एग्जाम निकल जाएगा एक या दो साल मैक्सिमम ठीक है ये कोशिश करो थोड़ी मेंटालिटी को चेंज करो बाकी सब कुछ आसान है ठीक है बस ये ध्यान रखना अब सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन कह रहा है दियर यूनिक कंपोजिशन किसी चीज का एक यूनिक कंपोजिशन की बात चल रही है सुनना बड़े ध्यान से दियर यूनिक कंपोजिशन ज्योमेट्री एंड द प्रॉपर्टीज इनेबल न्यूमरस पोटेंशियल कार्बन नैनोट्यूब एप्लीकेशन ठीक है इनके बहुत अलग तरह के कंपोजिशन की वजह से अलग यूनिक कंपोजिशन की वजह से इनकी ज्योमेट्री और इनकी जो प्रॉपर्टीज है ये क्या करती है इनेबल कर रही है किसको इनेबल कर रही है अल्टीमेट पोटेंशियल कार्बन नैनोट्यूब एप्लीकेशन को इनेबल कर रही है मतलब सी एन टी को कार्बन नैनो ट्यूब को इनेबल कर रही है क्या कह रहा है गेटिंग कोस्ट डाउन टू कमर्शियली वाइबल लेवल चैलेंजिंग बट इंक्रीजिंग स्केल इज हैिंग अब ये बोल रहा है कि इसकी जो कोस्ट है ना वो लगातार कमर्शियली बहुत डाउन हो रही है ना? इसकी जो कोस्ट है वो कमर्शियली डाउन हो रही है जो कि क्या कर रही है इसको थोड़ा सा चैलेंजिंग तो बना रही है चैलेंजिंग तो बना रही है क्योंकि इसकी कोस्ट डाउन जा रही है चैलेंजिंग तो बना रही है लेकिन यह कह रहा है इंक्रीज कर रही है स्केल इज हैिंग लेकिन किसी चीज की हैपनिंग को ये इंक्रीज कर रहा है इसकी कोस डाउन जा रही है तो चैलेंजिंग तो हो गया मार्केट लेकिन कोई चीज की हैपनिंग को वो स्केल कर रहा है इंक्रीज कर रहा है कि ये चीज हो सकती है राइट ये बात समझ में आ गई अब आगे देखो अब ये सारी की सारी बात हो रही है नैनो ट्यूब की बात हो रही है कि नैनो ट्यूब के एप्लीकेशन को लेकर ले रिगार्डिंग है हाना? आगे देखो देयर आर ए वेल्थ ऑफ अदर पोटेंशियल एप्लीकेशन फॉर सी बहुत सारी दूसरी अदर पोटेंशियल एप्लीकेशन भी है सीएन के लिए जैसे कि सोलर कलेक्शन है ना सोलर कलेक्शन है नैनोपोरस फिल्टर है मतलब ये कह रहा है कि अदर जो बहुत सारी पोटेंशियल एप्लीकेशन है उनकी वेल्थ के लिए भी यहां पर आपको कुछ दिया गया है और वो क्या क्या दे दिया गया है वो दे दिया गया है सोलर कलेक्शन को लेकर के नैनोपोरस फिल्टर को लेकर के कैटलिस्ट सपोर्ट को लेकर के और कोटिंग ऑन ऑल शोर्ट्स सारे के सारे शॉर्ट्स पे जो कोटिंग होती है उसको लेकर के भी सी को यूज करने की बात हो रही है अब आगे देखो देर आर ऑलमोस्ट सर्टिनली मैनी अनिपेटेड एप्लीकेशन फॉर दिस रिमार्केबल मटीरियल दैट विल कम टू द लाइट इन ईयर अब यह कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे अनिपेटेड एप्लीकेशन भी हैं जो कि एक इस रिमार्केबल मटीरियल को क्या करता है मतलब सालों के बाद सामने लेके आया है मतलब इस मतलब यह समझो इसको कि सी एन टी ऐसा एक मटीरियल है ऐसा एक यू uh, नो you know, इसके uh, मतलब सी एन टी को ऐसे हम यूज कर सकते हैं कि

कार्बन नैनो की जो मतलब फाइंडिंग है जो इंपॉर्टेंस है वो जबरदस्त है ऐसा कह रहा है मेनी रिसर्चेज आर लुकिंग इन टू कंडक्टिव एंड और वाटर प्रूफ पेपर मेड विथ सी अब देखो बहुत सारे रिसर्च हैं, जो लुक कर रहे हैं जो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं वाटरप्रूफ पेपर को वाटरप्रूफ पेपर को जो कि सीएनटी से बनेगा यानी कार्बन नैनो ट्यूब एप्लीकेशन के थ्रू वो वाटरप्रूफ पेपर को बनाने की तैयारी कर रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि बन जाए वाटरप्रूफ पेपर ठीक है आगे देखो सीएनटी को कैसे यूज किया जा रहा है ये कई बार ऐसा शो कर रहा है कि ये इंफ्रारेड इंफ्रारेड लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है आप सभी जानते हैं कि कैंसर की उत्पत्ति कर देता है अगर बॉडी में बहुत ज्यादा चला जाता है तो आई आर तो जो ऑप्टिक इंडस्ट्री है लिए भी इसकी को क्या किया जा रहा है यूज किया जा सकता है जनरली सी एन टी आर यूज फॉर एनर्जी स्टोरेज जनरली जो अब सी एन टी है, है उसका यूज क्या है एनर्जी के स्टोरेज को लेकर के सी एन टी के यूजेस थर्मल मटीरियल को बनाने के लिए है कैटलिस्ट सपोर्ट के लिए है एंड बायोमेडिकल के लिए है सिरेमिक्स को लेकर के है फैब्रिक को लेकर के एंड फाइबर को लेकर के है तो यह सी एन टी के यूजेज आप अब आपको बताओ अब आप सुनते जाइएगा अगर ऐसा है ये पूरा स्टेटमेंट हमने यहां पे दे दिया है तो हमारे लिए क्या कह रहा है कि क्या अज्यूम कर सकते हो इस गिवन पैसेज से इस दिए हुए पैसे से अब आप क्या अज्यूम करोगे यह आपसे बोला गया है। पहला दिटी ऑफ सी एन टी मेक दोर यूजफुल इन दिनेमिक इंडस्ट्री फॉर मेकिंग कल्टरली देखो इसकी कह रहा है कि यह डक्टिलिटी की बात कर रहा है डक्टिलिटी का मतलब समझ लो नमनीयता फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा है नमनीयता उन्हें कटलरी बनाने के लिए सिनेमिक उद्योगों में अधिक उपयोगी बनाती है यह तो कह रहा है कि सिरेमिक के अंदर इसका स्टोरेज इसका यूज है लेकिन कहीं पर भी यह नहीं कह रहा कि इसकी डक्टिलिटी के ऊपर है ये सिरेमिक इंडस्ट्री के अंदर जो सिरेमिक्स होता है उसको बहुत ज्यादा नमनीयता बनाता है फ्लेक्सिबल बनाता है ये नहीं कह रहा है इसने कह रहा है इसके यूजेस हैं हो सकता है सी एन टी का यूजेज उसको बहुत टफ बनाने के लिए हो जरूरी तो ना डक्टिलिटी के लिए हो मजबूत बनाने के लिए हो भाई सिरेमिक वगैरह बनाते हैं तो क्या होता है अगर कार्बन एनोट्यूब का एप्लीकेशन का यूज उसमें किया जाए हो सकता है वो उसको टफ बना दे कि वो ब्रेक ना हो इज दैट क्लियर तो यहां पे डक्टिलिटी uh, की कोई बात नहीं हो रही है कि उसको फ्लेक्सिबल बना देगी कोई बात नहीं हो रही है है ना तो डटिलिटी की वजह से ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा क्लियर है इसने ये जरूर कहा है कि सिरेमिक का यूज है सी का यूज है सिरेमिक की इंडस्ट्री के अंदर लेकिन यह नहीं कह रहा है कि वो उसको डक्टिलिटी के लिए फॉर्म में बना देगा उसे फ्लेक्सिबल बना देगा ऐसा नहीं कह रहा है इज दैट क्लियर बात समझ में आई पहला क्यों गलत है क्लियर हुआ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो यार <coughs> देखो जितनी एनर्जी मेरे पजल में खर्च नहीं होती ना उतनी एनर्जी मेरी अलार में खर्च होती है इसको बनाने में इसको समझाने में बहुत एनर्जी जाती है ठीक है आगे देखो सेकंड देयर आर वेल्थ ऑफ अदर पोटेंशियल एप्लीकेशन ठीक है वेल्थ तो है इसकी मतलब भरमार तो है एक तरह से बहुत सारे अदर एप्लीकेशन uh, के अंदर सी एन टी की लेकिन क्या कह रहा है सच एज सोलर करेक्शन नैनोपोरस ओके नॉन कैटलिस्ट सपोर्ट एंड नॉन कोटिंग ऑफ ऑल सोर्ट अब देखो यहां तक तो सही था सब कुछ यहां तक सब कुछ ठीक था यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन देखो आगे क्या कह रहा है आगे ये कह रहा है कि नॉन नैनोपोरस नॉन कैटलिस्ट सपोर्ट एंड नॉन कोटिंग ऑफ ऑल इसकी वजह से ये रॉन्ग हो गया इसने हमसे क्या बोला कि ये इसके यूजेस का है इसके यूजेस यूजेस का है इसके कैटलिस्ट सपोर्ट के लिए है ठीक है इसके यूजेस दूसरी और चीजों के लिए भी है मैं बताता हूं आपको इसमें शॉर्ट वगैरह का यूज किया हुआ है कि नैनो कोटिंग के लिए भी यूज किया हुआ है आपको यहां पे देखो ये रहा नैनो नैनोपोरस फिल्टर कैटलिस्ट सपोर्ट के लिए है कोटिंग ऑफ ऑल सोर्ट्स के लिए है अब यहां पे आप इन दोनों मीनिंग समझो इसने नॉन की बात करी है जबकि यहां पे बात अलग चल रही है इसने कहा कि नॉन कैटलिस्ट सपोर्ट की तरह काम आता है यानी समझ रहे हो कि किसी चीज की रिएक्शन को करवाने में हेल्प करता है यह सी है और यह कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन की हेल्प करने के लिए नहीं है यह नॉन कैटलिस्ट है मतलब ये न्यूट्रल रहेगा ये न्यूट्रल रहेगा किसी रिएक्शन को होने में इसका पार्टिसिपेशन केवल न्यूट्रल रहेगा तो यहां पे तो कह रहा है कि ये एक का सपोर्ट कहां काम करेगा मतलब को थोड़ा और तेजी से करवाने में हेल्प करता है राइट right. लेकिन इसने कह दिया नॉन कैटलिस्ट आएगा नॉन कोटिंग जाएगा तो यह भी यहां पर गलत हो गया इज दैट क्लियर क्लियर है थर्ड पॉइंट देखो रिसर्चेज मे प्रोवाइड देखो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं रिसर्चेज मे प्रोवाइड द वर्ल्ड दर्ल्ड विदर प्रूफ पेपर वाई यूजिंग सी एन टीज ये बात सही है क्यों ये आप एज्यूम कर सकते हो ना आगे के लिए अज्यूम कर सकते हो पॉजिटिव अज्यूम कर सकते हो ना क्योंकि इसने वर्ड यूज किया है मे तो मे यहां पे सेंस क्या है मे यहां पे सेंस है पॉजिटिव एटीट्यूड में पॉजिटिवली यहां पे है और इन फ्यूचर कोई भी चीज होने वाली है उसके लिए यहां पे बात हो रही है इज दैट क्लियर मतलब गया हमारा आंसर बिल्कुल तुम्हारा आंसर गया अगर आपका आंसर थर्ड नहीं है तो आपका आंसर गया क्योंकि आंसर आएगा थर्ड और देखो यहां पर यह बात कह रही है कि मैनी रिसर्च आर लुकिंग दे आर फ्रेमिंग दे आर प्रिपेयरिंग दे आर यू नो मेकिंग दैट एप्लीकेशन जिसकी वजह से क्या करेंगे वो कंडक्टिव एंड द वॉटर प्रूफ पेपर बनाएंगे विद विदो हेल्प हेल्प विद कार्बन नैनोट्यूब की हेल्प से वो कोशिश कर रहे हैं कि एक वॉटरप्रूफ पेपर बनाया जा सके तो ये बात सही है क्योंकि वो कह रहा है कि मे प्रोवाइड द वर्ल्ड यू नो वॉटरप्रूफ पेपर विद द हेल्प ऑफ तो ये वाला पॉइंट सही है अगर यहां पे मे नहीं होता तो गलत होता क्योंकि अभी तक यहां पे तैयार नहीं हुआ है तो गारंटी नहीं कर सकते पर हो सकता है और अजम्पन हमेशा किसी भी रेफरेंस को लेकर के पॉजिटिव होता है अजम्पन कभी नेगेटिव नहीं होता अनुमान हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है नेगेटिव नहीं होता है राइट क्लियर एवरी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली थ्री ओनली थर्ड इज द आंसर क्लियर है गाइज लाइक like कर दो यार अगर आपको समझ में आया आपको अच्छा लगा एक क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा तो लाइक like कर सकते हो यार कम ऑन तो लाइक like जरूर कर दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर से जरूर लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं हम हाँ संदीप उत्प्रेरक कैटलिस्ट को उत्प्रेरक बोलते हैं याद आया है मतलब जनरली क्या है मैं तो ऑलरेडी एमएससी किया हूं बायोटेक से बायोलॉजी से तो मेरे को तो पता है कैटलिस्ट का काम क्या होता है केमिस्ट्री में बहुत पढ़ा है इसके बारे में है हाँ ना ट्वेल्थ तक तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा है परेशान हो गया था इस कैटलिस्ट की रिएक्शन को ले लेकर के तो बेटा इस लाइन को देख लो सेकंड के लिए ये कह रहा है कैटलिस्ट के लिए ये कह रहा है नॉन कैटलिस्ट के लिए नॉन कैटलिस्ट एंड नॉन कोटिंग है ना मतलब समझो अनूप ये कहना चाहता है कि अनूप ये काम कर सकता है और यहां पे कह रहा है कि अनूप वो काम नहीं कर सकता समझना इसको ऐसे समझ लो आसान हो जाएगा ये समझो यहां पे इस लाइन में कह रहा है कि अनूप ये काम कर सकता है अनूप एसबीआई बी आई क्लरिकल मीन क्लियर करके एसबीआई में जॉब करेगा ये यहां पे कह रहा है मतलब और हमारा स्टेटमेंट गलत नहीं होता है और यहां पे कह रहा है कि अनूप क्लियरिकल मीन्स क्लियर नहीं करेगा तो उसको फॉलो करोगे कि कंक्लूजन को फॉलो करोगे स्टेटमेंट को फॉलो करोगे तो स्टेटमेंट में तो कह रहा है कि अनूप एस बी आई क्लियरिकल क्लियर कर लेगा एस में जॉब करेगा यह कह रहा है नहीं करेगा तो ये गलत हुआ ना वो थोड़ा गलत होगा राइट इसको ऐसे समझ लो तो वो कैटलिस्ट की बात कर रहा है है ना यहां पे बात कर रहा है नॉन कैटलिस्ट की नॉन कोटिंग की आई थिंक आपको समझ में आ गया ठीक है सर आर यू मैरिड मेरे लड़की मत ढूंढो ठीक है मैरिड <laughs> है ना डन है जी आगे बढ़ते हैं चले तो नेक्स्ट के लिए तैयार हो सभी डन है स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन अरे बोल भी दो यार डी है अरे यार सुर बताओ तुम <laughs> चलो आगे बढ़ते हैं अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ठीक है इसको थोड़ा पढ़िएगा तीन मिनट के लिए पढ़िएगा और फिर सॉल्व करिएगा है ना तीन मिनट दे रहा हूं तुम लोग बिना यार कैसे कैसे क्वेश्चन करते हो यार ठीक है चलो हाँ कल शिवाय ने कोडिंग भी दिया था हाँ भाई शिवाय बहुत इंटेलिजेंट है कुछ भी बना के दे देता है चलो लेट्स वेट हम्म ठीक है और ये तीन मिनट आपके लेट्स वेट कुछ कट तो नहीं रहा ना हाँ चलो कल आप लोगों ने कहा कि सर एल आर एल आर एल आर तो मैंने कहा चलो ठीक है एलआर के दो क्वेश्चन लेते हैं तो एल आर दो क्वेश्चन है एल आर के आज थैंक यू इंदू अब सुनो देखो करना क्या है आपको इन्फ्रेंड करना है इन्फर्ड इनफर्ड का मतलब समझ रहे हो आपको अनुमान लगाना है इन्फ्रेंस का क्वेश्चन है ये याद रखना ये इन्फ्रेंस का क्वेश्चन है ओ इंदिरा सॉरी दूर से देखा ना बहुत तो इंदु लगा ठीक है चलो तो आराम से पढ़िए सॉल्व करिए आंसर दीजिएगा बताता हूँ राजीव इस क्वेश्चन के बाद बताता हूँ ठीक है अब आंसर करिए आंसर करिए वन होगा सर ठीक है वन और कोई टू होगा टू ठीक है तो अपने ज्यादातर बाजी लगाई है, वन ओ टू पे ठीक है ज्यादातर लोगों ने अपनी बैट लगा दी वन ओ टू पे ठीक है चलिए देखिए <coughs> इसने क्या बोला पुलिकट लेक इज द विंटर होम फॉर वेराइटी ऑफ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रीलियर बर्ड सच एज पेंटेड स्ट्रॉक्स मतलब ये कह रहा है कि पुलिकट लेक पुलिकट एक झील है ठीक है अभी पता लग जाएगा कहां पे है कहां पे नहीं है है ना पुलिकट झील जो है वो विंटर होम है विंटर होम यानी सर्दियों में घर है किन के लिए घर है पुलिकट झील सर्दियों में घर है किन के लिए बहुत सारे वेराइटी ऑफ एक्वेटिक एंड टेरिस्टरियल बर्ड्स यानी जो एक्वेटिक जो मतलब पानी में रहने वाले जो है उनके लिए और टेरिस्टर बर्ड्स देखो कुछ ज्यादा ही हो जाता है कई बार तो जलीय और स्थलीय इसको स्थलीय पक्षी बोलते हैं है ना स्थलीय पक्षी बोलते हैं तो स्थलियों के लिए क्या होता है ये विंटर होम होता है आगे देखो सच एज पेंटेड अब वो जो नाम बता रहा है कौन से है वो बोल रहा है स्टॉक्स लार्ज एंड लिटिल एग्रेट्स ग्रे पैलिकन्स ग्रे हिरोस एंड वाटर वर्ड सच एज नदन पिंटेल्स ब्लैक विंग्ड स्टील्स स्टिल्स, स्टिल्स नॉट नदन शॉबलर्स कॉमन टील सीगुल्स टर्न कॉमन कोट्स ये क्या है बर्ड्स के नियम है एक्वेटिक एंड यानी जलीय और स्थलीय पक्षियों के नाम दिए गए अब सुनना इस बात को ये तो ठीक है इन सबको पढ़ना नहीं है बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस पर राइट क्योंकि यहां से आप परेशान हो जाओगे इसको पढ़ने के बाद आगे देखो क्या कह रहा है एग्रेट स्टर्न डग एंड दार्डन हैल्सो मेक अक इन गुड नंबर ये सारे के सारे और भी है जो बहुत बड़े नंबर में कहा पे आते हैं पुलिकर झील जो कि आंध्र प्रदेश में है वहां पे आते हैं अब देखो इनवर्टिवेट एज प्रॉन्स प्लेक्टॉन कोल एनिलिट्स मोलस्कर्स एंड इकोडर्म्स ऑल्सो एज ऑल्सो मॉनिटर लिजार्टलॉड कोबरा रसल्स वाइपर एंड क्रेट एंड स्कूल ऑफ फिश सच एज सेबल फिश सार्गिन फिश व्हाइट ब्लैक एंड द सिल्वर पॉम्फ्रेट अब ये उनके लिए भी बात हो रही है चलिए ठीक है यहां तक बात समझ में आ गई कि पुलिकट झील मतलब इन सेंस आप समझ सकते हो कि जो कि आंध्र प्रदेश में है वो विंटर होम है कई सारे एक्वेटिक और नॉन एक्वेटिक बर्ड्स के लिए तो ये यह पे उनकी बात हो गई है मतलब स्थलीय पक्षी और जानवरों के लिए अब आगे देखो ओपन वाइल्ड स्टॉक्स लिटिलोर्ड स्पॉन स्पून बिल्स इंडियन मॉर्फन स्कूट्स नाइट गुड नंबर टू द नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी अब यहां पे क्या कह रहा है कि यह नैलापट्टू एक बर्ड सेंचुरी है जहां पे बड़ी संख्या में ये सारे के सारे पक्षी आते हैं ये यहां पे बात हो रही है आगे अबाउट टेन किलोमीटर फ्रॉम uh, सुलरपेटा सुलरपेटा एक जगह है सुलरपेटा से दस किलोमीटर दूर नैलापट्टी बर्ड सेंचुरी है वहां पर यह सारे के सारे एक अच्छे नंबर में आते हैं विंटर्स के अंदर ओके आगे देखो अबाउट वन बर्ड स्पीसीज अप्रोक्सीमेटली एक बर्ड स्पीसीज इंक्लूडिंग फिफ्टी माइग्रेट माइग्रेटरी स्पीसीज माइग्रेटरी स्पीसीज का मतलब जो माइग्रेट होकर आते हैं जो बाहर से आते हैं उनकी बात कर रहा है कि अप्रोक्सीमेटली पचास ऐसे हैं ठीक है मेक इट टू द बर्ड सेंचुरी विच इज ऑल्सो होम टू दैरिंगटन बैरिंगटोनियावेंटिंग्यूटेंगुला एक्यूटेंगुला ट्री स्पीसीज दैट कैन सर्वाइव इवन फ्लोडेड कंडीशन चलो मतलब इस पूरी बात में ये हमसे कह रहा है कि ये झील है यहाँ पे पक्षी आते हैं विंटर विंटर में इनका ये घर होता है यहाँ पे इनको खाने पीने का सारा सामान बहुत इजीली मिल जाता है और ये बता रहा है कि जो नीलापट्टू पट्टू जो बर्ड सेंचुरी है जो कि सुलर पेटा से 10 किलोमीटर दूर है वहां पर ये सारे के सारे पक्षी भी आते हैं इनकी भी बड़ी तादाद में आते हैं फिर बोल रहा है कि करीब एक सौ निवासी एक सौ एक मान लो एक बर्ड स्पीसीज यहाँ पे आती है जिसमें भी पचास ऐसी

ये माइग्रेट पक्षी आते हैं ये फैक्ट है कि यहां पे विंटर के अंदर ये सब अपना अपना घर यहां हैं खाते पीते बाहर से दी गई है ठीक है, सबकी पे गई है।, जो पक्षी है उनके नाम यहां पे बताए गए हैं उनकी स्पीसी के बारे में यहां पे बताया गया फैक्ट ये सारा के सारा फैक्ट है अब देखो एक्वेटुंगला ट्रीज आर मोस्टली फाउंडेड इन अमेजॉन रेन फॉरेस्ट सबसे पहली बात क्या अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के ऊपर कोई भी बात हुई है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के ऊपर कोई बात हुई है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के ऊपर कोई बात हुई है नहीं हुई है तो यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट ये नहीं कह सकते हो कि बैरेंगटन एक्विंटुला के पेड़ ज्यादातर अमेजॉन वर्ष, वर्ष मतलब अमेजॉन के जंगलों में पाए जाते हैं ऐसा नहीं कह सकते हो अमेजॉन वर्षावान में पाए जाते हैं रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि यहां पर ट्रीज की बात नहीं हो रही है ना यहां पे ट्रीज की बात नहीं हो रही है यहां पे तो बात हो रही है बर्ड्स की बात हो रही है एक्वेटिक एनिमल्स की बात हो रही है ट्रीज की बात नहीं हो रही है सेकेंड थिंग टर्न्स सैंडी पाइपर्स एंड द द कॉमन कूट्स टर्न्स डक्स एंड आर माइग्रेटरी स्पीसीज दैट द माइग्रेट एंड कम टू द नीलापटू बर्ड सेंचुरी यहां पर आइए जरा <coughs> यहां पर आइए जरा देखो किन स्पीशीज की बात हुई जरा क्रॉस चेक करिए इसने बोला सी की बात हो रही है जरा देखते हैं कि सीगुल्स क्या माइग्रेटरी पक्षीज में आते हैं नहीं आते हैं कहां पे है ये वर्ड ये रहा? देखो यहां पर कहां से स्टार्ट हो रहा है कॉमन ये, 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 नदन नदन कूट्स ये हैं एक बार बताइए पुलिकट लेक पे आते हैं पर ये जो बात हो रही है आमकूट एग्रेट स्टर्न डक और वाइट वाइटर प्रवासी प्रजाती हैं जो प्रवास करते और आंध्र प्रदेश में नैलपट्टू पक्षी अभ्यारण में आते हैं इसने ये तो बोला कि लेकिन बर्ड सेंचुरी में कहा आते हैं यार ये तो आते हैं पुलिकट लेक में बर्ड सेंचुरी की बात ही अलग है इसकी तो बात ही अलग है यहाँ पे जो पक्षी आते हैं वो अलग हैं यह तो झील की बात हो रही है तो एक्वेटिक एनिमल्स की बात हो रही है ना तो यहां पे ये क्या बोल रहा है कि सीगुल्स टर्न एंड पाइपर्स एंड द कॉमन कूट ये सारे की सारे जो एनिमल्स हैं माइग्रेट स्पीसीज हैं माइग्रेट एंड कम टू द दैलापट्टू बर्ड सेंचुरी नेला सेंचुरी में नहीं आ रहे हैं ये ये आ रहे पुलिकट लेक में आ रहे हैं राइट right? ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं तो ये पुलिकट लेक में आ रहे हैं क्लियर है तो ये आप नहीं कर सकते हो सही आप सही करते अगर ये नाम लेता लाइक ओपन बिल्ड स्ट्रॉक्स की बात करता कॉन कॉन मोर की बात करता स्पून स्पून बिल्स की बात करता इंडियन मोरफेंस की बात करता कूट्स की नाइट की की इन सब की बात करता दैट कट इन गुड नंबर टू द नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी तो यहां पे ये बात सही होती बात समझ में आ रही है ये दो अलग अलग चीजों के नाम ले रहा है पुलिकट झील की बात अलग हो रही है पुलिकट लेक की बात अलग हो रही है बर्ड सेंचुरी की बात अलग हो रही है पुलिकट लेक के अंदर, से अंदर स्पीसीज, आ रही है, स्पीसीज आ रही है राइट तो आप ये नहीं कह सकते हो दो चीजें अलग अलग है वहां से <laughs> अरे यार तुम भी ना अंकित घूमते घूमते चले आते हैं अपने जैसे थोड़ी ना है कि चलो दिल्ली आए तो हरियाणा भी जा ही आते हैं है ना या दिल्ली आए तो नोएडा ही घूमे आते हैं ऐसा थोड़ी ना होता है चलो आगे देखो नैलापट्टू बर्ड सेंचुरी इज द होम फॉर अबाउट 200 हंड्रेड बर्ड स्पीसीज इंक्लूडिंग फिफ्टी माइग्रेटेड माइग्रेटरी ठीक है तो भाई सही बात है यह बात सही है अबाउट तो यहां पे भी है, अबाउट 189 के आसपास बोल रहा है यानी कि अबाउट 200 हमने भी बोला कि यहां पे भी इसने अप्रोक्सीमेटली 200 बोला क्योंकि आपको इन्फर्ड करना है इन्फर्ड क्या करना है देखो ये गलत और ये गलत इनफर्ड क्या करना है आपको 189 के बारे में तो बोला है क्या होता है यू नीड टू अज्यूम देखो थर्ड में 200 है लेकिन आप ये भूल गए ये कंक्लूजन की बात नहीं कर रहा है कि जितना कह रहा है उतना ही लेना है इसने भी बोला इन्फ्र क्या होता है इनफ्रड होता है कि कोई भी फैक्ट जो आपको दिया गया है उसमें आप कुछ भी अज्यूम कर लें थोड़ा बहुत जो उससे डेटा से रिलेटेड हो फैक्ट में दिया गया है अप्रोक्सीमेटली अबाउट वन एटी नाइन अब जब ऑलरेडी अबाउट वन एटी नाइन है तो आप यह अज्यूम कर सकते हो कि इट कैन बी क्रॉस टू हंड्रेड यह क्रॉस कर सकता है ये पहुंच सकता है टू हंड्रेड तक क्योंकि क्या होता है इन्फ्रेंस इज इक्वल टू वॉट इन्फ्रेंस इज इक्वल टू वॉट वॉट एवर द फैक्ट गिवन इन द स्टेटमेंट द फैक्ट गिवन द स्टेटमेंट जो भी फैक्ट आपको स्टेटमेंट में दिया गया है अगर उसमें थोड़ा भी अज्यूम किया जाता है तो उसको इंफ्लुएंस बोलते हैं यू नीड टू अज्यूम और अब आप, आप देखो 189 गिवन है इट कैन बी अप्रोक्सीमेटली 200 जा सकता है और इसने भी क्या बोला अप्रोक्सीमेटली 200 इसने भी ये नहीं बोला फिक्स 200 है अप्रोक्सीमेटली यार हो सकता है 193 आ जाए उस बार माइग्रेटेड पक्षीज कुछ ज्यादा आ जाए भाई ऐसा हो सकता है ना राइट right? उसमें थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है तो वन से वो नाइन तक पहुंच जाए पाछे पक्षी और नहीं आ जाए भाई माइग्रेटेड पक्षी हैं आ सकते हैं राइट right? तो हम इनफ्रेड uh, uh, कर रहे हैं हम इस बात को इन्फर्ड कर रहे हैं और यहां पे इंक्लूडिंग 50 माइग्रेटिंग है यहां पे 50 माइग्रेटिंग ऑलरेडी है तो तीसरा आएगा तीसरा सही है तो जिसने भी आंसर किया है यहां पे ओनली थर्ड इज राइट ओनली थर्ड इज राइट दो तो यार आप वैसे भी रिजेक्ट कर सकते थे दो तो आप देखते रिजेक्ट कर देते आप यहां पे थोड़ा दिमाग लगाते इस लाइन से थोड़ा दिमाग लगाते और थोड़ा सा इसका मीनिंग समझते कि व्हाट द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेंस तो यू कैन इजीली क्रैक इट आप आराम से क्रैक कर लेते अरे यार देखो जलीय पक्षी नहीं जली जो जल में रहते हैं ना वो जल नहीं वो कर सकते यार उड़ने वाले पक्षी को तो फिर भी कह सकते जब हो जब माइग्रेट हो वो कहीं दूसरे देश से यहां आ सकते हैं तो दे कैन गो पर पक्षी पक्षी है जो जल में रहता है वो अलग है यार जिसको जल चाहिए रहने के लिए खाने पीने के लिए फिर उसको बर्ड सेंचुरी में थोड़ा ना मिल जाएगा वो खाना पीना जो उसको वहां झील में मिलेगा भाई झील में जो खाना मिलेगा उस एक्विटिक एनिमल को वो बर्ड सेंचुरी में थोड़ा ना मिल जाएगा वो क्यों जाएगा यार मतलब थोड़ा सोचो ठीक है तो समझ में आएगी चीजें देखो दो क्वेश्चन इसीलिए लिए क्योंकि कल शाम को जब मैंने पूछा कि रीजनिंग में दिक्कत है तो बोलना एल आर एल आर लिखा गया था तो दो क्वेश्चन एल आर के रखे मैं एल आर के क्वेश्चन बढ़ा दूंगा डू दू नॉट वरी दो की जगह तीन ले लेंगे लेकिन धीरे धीरे अगर आप रोज के दो क्वेश्चन करोगे ना एल आर के तो भी आपके पास कम से कम साठ दिन होंगे एक सौ तीस एक सौ चालीस क्वेश्चन कर लोगे पूरी की पूरी किताब छप जाएगी एक सौ चालीस क्वेश्चन के ऊपर एल आर में ठीक है डन चलो आगे बढ़ते हैं चलिए अब करते हैं अपन किसको अल्फाबेटिक सीरीज को थोड़ा कॉन्फिडेंट में आते हैं है ना आपको लग रहा होगा सर एल तो गजब है देखो एक बार बताता हूं अभी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर इसका रेशो क्या होता है मेंस के पेपर में अगर मेंस का पेपर होता है तो ठीक है आपको पता है आपका मेंस के पेपर में अगर रीजनिंग होता है ना पचास क्वेश्चन तो वो साठ मार्क्स के होते हैं होते हैं ना ये तो आपको पता है अब आपको बताता हूं देखो क्या लॉजिक क्या होता है आपका पजल का जो पूरा की पूरा बनता है वो बनता है आपके करीब पंद्रह मार्क्स का ठीक है पंद्रह मार्क्स पजल का बनता है तीन पजल आती ही आती है ठीक है ये याद रखना कोडिंग डिकोडिंग से पांच क्वेश्चन अल्फाबेट की सीरीज से पांच क्वेश्चन ठीक है समटाइम्स दोनों में से कोई एक आता है डायरेक्शन से तीन से पांच क्वेश्चन अल्टीमेट क्वेश्चन होता है ठीक है ये ध्यान रखना इजी क्वेश्चन नहीं होता है ठीक है इनपुट आउटपुट से पांच क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से आएंगे ही आएंगे ठीक है एल से करीब आठ से दस क्वेश्चन यानी आठ से दस मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर बनता है आपके लिए आसान नहीं होता यार अब आपका सोचो ना दस मार्क्स है आठ से दस क्वेश्चन है एक मिनट हाँ समझ रहे हो तो पेपर आसान नहीं होता है बहुत सारा होता है इसके बाद भी आपके हैं अगर मान लो सिलॉक्स या इनक्विनिटी से दे दिया तो इन दोनों से मिला के वो पांच क्वेश्चन दे देगा ठीक है डेटा सफिशंसी है डेटा सफिशंसी से तीन से पांच क्वेश्चन वो दे देगा तो किसी में घटाएगा किसी में बढ़ाएगा तो ये है इसमें ठीक है लेवल आता है ऐसा नहीं है ट सॉल्व दिस क्वेश्चन इसे करिए सब बच्चे फटाफट करो तीन मिनट है ठीक है फटाफट डू इट और सबको हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी रखनी है चलिए लाइक ही नहीं है यार आज तो पता नहीं आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया यार

<laughs> अंकित कह रहा है सारे क्वेश्चन अपलोड कर दो फिर भी नहीं पढ़ पाओगे बेटा कमोन गाइज फास्ट जल्दी पाँच मार्क्स का आएगा पेपर में चलो देखिए किसी का हुआ नहीं किसी का नहीं हुआ देखो वेल ट्राई अच्छी ट्राई है तीन मिनट में अगर आप नहीं कर पाए तो चार मिनट में आप आराम से कर पाओगे उसके अगले एक या दो मिनट के अंदर आप पूरा क्वेश्चन कर लोगे गाइज थोड़ी सी पॉजिटिविटी की रिक्वायरमेंट है ठीक है एलाप्री में नहीं आता है आर्य तिवारी ध्यान रखिएगा और गाइज मैं सभी से कह रहा हूँ थोड़ा यार वीडियो को पुश करिए आप भी चाहते हैं कि आपको और कंटेंट मिले आपको बेस्ट कंटेंट मिले पर मैं भी चाहता हूं कि यार अब मेरे को भी कुछ नए स्टूडेंट मिले ताकि मैं उन्हें भी पढ़ा सकूं उन्हें भी आगे कर सकूं राइट right? तो मैं ये चाहता हूं कि यार थोड़ा अगर आप पुश करेंगे अपने अपने जो भी सराउंडिंग स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स हैं आप अगर उन तक की वीडियो शेयर करते हैं उन्हें अगर पर्सनली भी बोलते हैं मैं गारंटी लेता हूँ कोई भी अगर क्लास में आया और पढ़ा एक घंटे भी तो वो दोबारा आएगा ये गारंटी है क्योंकि मैं उस हिसाब से पढ़ाऊँगा हर एक बच्चे को मैं उस हिसाब से पढ़ाता हूँ कि उसको कुछ नहीं आता होगा तो भी उसको आएगा और पहले दिन से आएगा पर उसके लिए आप थोड़ा सा अगर शेयर कर, करेंगे तो मजा आएगा ठीक है देखो इसने क्या कहा <coughs> ये सीरीज़ है आपको दी गई है ईच लेटर विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाई अ सिंबल कह रहा है कि कोई भी लेटर ठीक है कोई भी लेटर अगर है और अगर वो लेटर फॉलो हो रहा है किससे सिंबल से वो लेटर किससे फॉलो हो रहा है सिंबल से एंड वो इमीडिएटली क्या हो रहा है हो रहा है नंबर से और उसके पहले क्या आ रहा नंबर आ रहा होगा तो वो प्लेस कर दिया जाएगा कौन प्लेस कर दिया जाएगा वो लेटर वो लेटर प्लेस कर दिया जाएगा एक्सट्रीम राइट एंड पे और एक्सट्रीम राइट पे भी कैसे प्लेस किया जाएगा वो देखो पहला लेटर जो पिक किया जाएगा वो लेफ्ट एंड से शुड बी एक्सट्रीमली लेफ्ट एंड सो ऑन फर्स्ट लेटर पिक फ्रॉम द लेफ्ट शुड बी एक्सट्रीम लेफ्ट एंड सो ऑन तो वो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे होगा कहां पे होगा वो भी उस पूरी राइट एंड पे होगा कैसे देखो नंबर लेटर सिंबल कहां कहां पे आ रहा है नंबर आ रहा होगा लेटर आ रहा होगा सिंबल आ रहा होगा कहां कहां पे आ रहा है ये बताओ ये वाला अरेंजमेंट कहां कहां पे आ रहा है नंबर लेटर सिंबल एक नंबर लेटर सिंबल नंबर लेटर सिंबल नंबर नंबर लेटर लेटर सिंबल नहीं है नंबर लेटर सिंबल दो दो जगह आ रहे हैं कितनी जगह आ रहे हैं दो जगह आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अब किसको प्लेस करना है प्लेस करना है उस लेटर को कहां पे एक्सट्रीम राइट एंड पे यानी कि अब देखो इसका मतलब फाइव ये एट द रेट फोर वाई एन एस्टिमेट्री थ्री डॉलर बी परसेंटेज वन एंड डी थ्री के क्यू सेवन नॉट इक्वल टू सी हैश जे नाइन ओम जी सिक्स एल और देन यू ये हो गया ठीक है क्लियर है सबका पहला स्टेप क्लियर है यानी कि एल और यू आएगा और देखो ये भी एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे आ रहा है उसके बाद दूसरा आ रहा है तो जो पहला पिक किया गया वो राइट एंड पे एक्सट्रीम लेफ्ट एंड की तरफ जाएगा है ना और दूसरा वाला उसके बाद वाला यानी कि आपके लिए जो आएगा वो एक तो ये होगा और दूसरा ये होगा इज दैट क्लियर क्लियर हो गया ये सबको डन अब दूसरा दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि कोई भी नंबर कोई भी नंबर विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाई अ लेटर जिसके बाद में क्या आ रहा हो लेटर आ रहा हो है ना एंड इमीडिएटली प्रसिड बाय अ सिंबल और उसके पहले क्या आ रहा हो सिंबल आ रहा हो है ना रिटर्न राइट ऑफ के इन द न्यू सीरीज के के राइट में लिखना है न्यू सीरीज के अंदर आफ्टर स्टेप वन यानी इससे फर्स्ट नंबर पिक फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड शुड बी राइट एंड सो ऑन ठीक है ये बात समझ में आ गई अब मुझे बताओ सिंबल नंबर लेटर कहां पे है सिंबल चाहिए लेटर चाहिए नंबर चाहिए सिंबल लेटर नंबर नहीं है सिंबल लेटर और दे नंबर नहीं है सिंबल लेटर नहीं है सिंबल लेटर नहीं है सिंबल लेटर नंबर ये आ रहा है क्या देखो सिंबल सॉरी सिंबल के नंबर आएगा सिंबल के बाद नंबर नहीं है सिंबल के बाद नहीं नंबर चाहिए सिंबल नंबर लेटर ये रहा देखो ये रहा सिंबल नंबर और लेटर एट द रेट फॉर वाई आ रहा है सिंबल नंबर लेटर इसमें आ रहा है सिंबल क्या नंबर है लेटर नहीं है सिंबल के बाद नंबर नहीं है नहीं है सिंबल के बाद में नंबर नहीं है राइट right? केवल एक ही आ रहा है केवल एक ही आ रहा है ओनली वन राइट इसका मतलब इसको कैसे लिखोगे आप देखो इसको लिखोगे फाइव दिस वन वी एट द रेट वाई एन एसकेमेट्री थ्री डॉलर बी परसेंटेज वन ये वन ही है ना हाँ ये वन है ठीक है वन एंड डी थ्री के और ये यह फोर यहाँ पे आएगा यहाँ पे ठीक है राइट ऑफ के आएगा फिर आएगा Q7 सेवन नॉट इक्वल टू सी हैश टैग जे नाइन ओम जी सिक्स एल और यू क्लियर है चेक करो सभी लोग सभी बच्चे चेक करो क्या सबका कर यही आ रहा है स्टेप नंबर वन एंड स्टेप नंबर टू सबका सेम है किसी का कोई भी अलग हो तो बोलना मुझे कोई भी अलग हो तो बोलना सेम है प्लीज टेल इसके बाद देखो ईच सच सिंबल च इज इमीडिएटली फॉलोड बाई अ नंबर यानी कह रहा है हर सिंबल के बाद नंबर इच सच सिंबल इच अ सिंबल विच इज फॉलोड बाई अ नंबर यानी सिंबल सिंबल के बाद में आएगा नंबर सिंबल के बाद में आएगा नंबर राइट right? तो ईच सच सिंबल हर एक वो सिंबल जो कि इमिडिएटली फॉलो होगा किसी नंबर से यानी उसके बाद में अगर नंबर आता है एंड इज एंड इसका मतलब यह सिंबल जो होगा वो होगा सेकेंड टू द राइट ऑफ अ लेटर यानी लेटर के राइट right में सेकेंड नंबर पे आना चाहिए ये अब ये कहना क्या जाता है कोई भी लेटर है उससे एक लेटर छोड़ के दूसरा अगर है तो वो सिंबल होगा और तीसरा नंबर होगा इज दैट क्लियर तो वो सब क्या होंगे रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ डी डी के लेफ्ट होंगे इन द न्यू सीरीज फॉर्म और बाकी सब चीजें वही है मतलब समझो ये ऐसे कहना चाहता है लॉजिक बताता हूं ये ऐसे कहना चाहता है सपोज करिए कोई ए है बी है एट द रेट है और फोर है ये ऐसे कहना चाहता है राइट right? कि कोई सिंबल है सिंबल के बाद में नंबर आ रहा है और ये सिंबल जो है ना किसी लेटर से सेकंड नंबर पे आना चाहिए यानी एक का गैप होगा अब यहां पे बी भी हो सकता है यहां पे कुछ भी हो सकता है पर सेकंड टू द लेटर लेटर से सेकंड नंबर पे आएगा सिंबल इज दैट क्लियर अब आप देखो यहां पे वो कहां आ रहा है देखो पहले सिंबल के बाद नंबर देखो यहां पर मैच कर रहा है देखो ये मैच कर रहा है

कैसे लिखेंगे फाइव दिस वन वी एट द रेट वाई एन थ्री डॉलर बी परसेंटेज वन एंड एक्सक्लेमेटरी ये एक्सक्लेमेटरी यहां आ जाएगा डी थ्री के फोर क्यू सेवन नॉट इक्वल टू सी हैश जे नाइन ये जी सिक्स एल और यू सबका सेम आया है चेक इट फास्ट सबका सेम है देखो स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर थ्री सबका सेम आया है इसे किसी को कुछ जानना है तो पूछो फटाफट फड़ से अरे ब्रैकेट वाला तो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है बता रहा है कि फर्स्ट सिंबल जो है शुड बी पिक टू द लेफ्ट शुड बी एक्सट्रीम राइट एंड सो ऑन भाई ये जो है ना इसका इसके एक्सट्रीम लेफ्ट एंड में आना चाहिए ये यहां पे कह रहा है इसका मतलब ये है उसके मत, मतलब वो समझाना चाह रहा है आपको कि ऐसे लेना है कि डी यहां पे एक्सट्रीम राइट हैंड है एक तरह से तो उसके एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे आएगा ये इसका मतलब ऐसे है सबका है ना अब देखो पहला क्वेश्चन विच इज द ट्वेल्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इन फाइनल स्ट्रिंग फाइनल स्ट्रिंग मतलब लास्ट स्टेप लास्ट स्टेप में लेफ्ट से राइट right से ट्वेल्व राइट right से ट्वेल्व लीजिए फाइनल स्टेप में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व राइट से ट्वेल्व आएगा क्यू क्यू ऑप्शन में क्या है आंसर आएगा बी आ गया क्लियर है बेटा लास्ट स्टेप में कह रहा है कि सपोज करो कोई भी लेटर है इसे एक छोड़ के सेकेंड नंबर पे कोई सिंबल आएगा और देन नंबर आएगा तो लेटर से एक छोड़ के सेकेंड नंबर पे सिंबल आना चाहिए तो यहाँ पे यह कंडीशन आ रही है तो वो जो सिंबल होगा ना वो सिंबल आपको प्लेस करना है डी के लेफ्ट में प्लेस करना है उसको ठीक है कैसे रिटर्न करना है उसको और रिटर्न करेंगे डी के लेफ्ट में बस ये कह रहा है और कुछ नहीं है सेकेंड क्वेश्चन वट इज द पोजिशन ऑफ बी इन द फाइनल स्ट्रिंग बी की पोजिशन बताओ फाइनल स्ट्रिंग में और बी कहाँ पे आ रहा है बी ये रहा दिस इज कॉल्ड बी तो यहां पे देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन टू द लेफ्ट है नाइन फ्रॉम द लेफ्ट है तो देखो ऑप्शन में है क्या नाइन फ्रॉम द लेफ्ट फोर्टीन है ये छोड़ो ये भी छोड़ो ये भी छोड़ो ये भी छोड़ो टेंथ फ्रॉम द लेफ्ट है ये टेंथ नहीं होगा नाइन होगा चेंज होगा ये होगा फिर ठीक है क्योंकि राइट हैंड से तो आ ही नहीं सकता राइट हैंड से तो बहुत दूर है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस इक्कीस तो तो है तो मोर देन वन ऑफ द अबव ठीक है मोर देन वन ऑफ द अबव इनमें से कोई एक और है मोर देन है एक से ज्यादा है ठीक है तो इसको आप वैसे मैंने इसमें नाइन किया हुआ था मुझे नहीं पता टेन कैसे हो गया इसको नाइन ही रखा था मैंने डो नॉट वरी है ना तो आप इसको नाइन करके आगे बढ़ सकते हैं फिर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सीरीज एन बी एस्कट्री फोर और देन क्वेश्चन मार्क एन बी एस्किलेमेट्री फोर और देन क्वेश्चन मार्क देखो देखो एन यहां पे है ठीक है इसने कोई स्ट्रिंग का नाम नहीं लिया लिया है फाइनल स्ट्रिंग का नाम लिया है देखो एन ले लिया दो छोड़ के बी ले लिया फिर तीन छोड़ के एक्सक्लेमेटरी ले लिया एन बी एक्सक्मेटरी यानी दो का गैप तीन का गैप चार का गैप छोड़ के इसने इसने फिर तीन का गैप लिया. N B N ले लिया एन बी एक्सक्मेटरी फोर एन ले लिया बी ले लिया दो का गैप है एसक्मेटरी तीन का गैप ले लिया क्यों आना चाहिए थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है हाकरण पूछो क्योंकि एन बी एसकेमेटेड फोर नहीं आएगा क्यू आना चाहिए क्योंकि नहीं तो सीरीज ही नहीं बन पाएगी सीरीज बनती यहाँ पे दो का गैप है टू का गैप है तो यहाँ पे या तो टू का गैप होता तो एंड आना चाहिए था यहाँ पे तीन का गैप है ठीक है फिर यहाँ तीन का गैप है तो यहाँ पे चार का होना चाहिए क्यू आता है यहाँ पे तो चार का गैप होता तो पाँच का गैप होता एक दो तीन चार पाँच यहाँ पे नाइन आता और नाइन होता लेकिन नाइन नहीं है यहाँ पे ठीक है गैप चेंज है गैप चेंज है नॉट इक्वल टू नहीं आ सकता नॉट इक्वल टू नहीं आ सकता क्योंकि फिर आप तीन का गैप रखें या तो ये लॉजिक रखो दो तीन लेकिन अगर दो का तीन का तो फिर यहाँ दो होना चाहिए था लेकिन यहाँ तीन का गैप आ रहा है राइट right. फिर यहाँ पे फोर आएगा तो यहाँ पे आप तीन का गैप रखेंगे वन टू थ्री तो यहाँ पे सी आना चाहिए था सी वो थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे ये सीरीज ऐसी होनी चाहिए थी ये सीरीज़ यहाँ पे ऐसी होनी चाहिए थी कि एन बी एस्क्मेट्री क्यू और देन यहाँ पे आता क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पे आता नाइन तो फिर आप नन ऑफ दीज आंसर करते हैं ठीक है ये कुछ ऐसा होता सीरीज ऐसी होती है क्योंकि दो का गैप तीन का गैप फिर चार का गैप होता और देन आप यहाँ पे पाँच का गैप रखते हैं ठीक है तो सीरीज़ ऐसी होती है तो ये ध्यान रखिएगा सीरीज़ में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है डन तो ये सीरीज़ ऐसी होती और फिर आपका नाइन होता आंसर तो नन ऑफ द अबव आंसर कर देते डन है टू थ्री थ्री टू का लॉजिक नहीं बनता बच्चे अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन रह गए यार बहुत सारे क्वेश्चन रह जाते हैं रोज बहुत सारे क्वेश्चन रह जाते हैं मुझे तो कई बार ऐसा लगता है दो ढाई घंटे की क्लास होनी चाहिए मेंस की लेकिन आप लोगों का सपोर्ट ही नहीं मिलता तो दो ढाई घंटे की क्लास का मतलब ही नहीं होता मैंने आपसे बोला कि आज हमें सेवेंटी प्लस चलना है लेकिन हम फिर भी फिफ्टी पे रह गए है ना तो जब सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है यार पूरा तो फिर क्या से मैं मतलब दो ढाई घंटे की कैसे पढ़ाऊँ मतलब मेरे अंदर भी तो एक मोटिवेशन आना चाहिए ना कि यार इन बच्चों को जरूरत है तो चलो मैं पढ़ाता हूँ लेकिन वही बात है ना टिकते ही नहीं है मतलब ऐसा लगता है कि आपका ही स्टेमिना नहीं है डेढ़ घंटे दो घंटे पढ़ने का लगातार कुछ बच्चों का तो है पर कुछ बच्चों का नहीं है सर थर्ड स्टेप में सिंबल फॉलो बाई नंबर है सही तो है सिंबल फॉलोड बाई नंबर है सिंबल जो है देखो करण सिंबल फॉलो इमीडिएटली फॉलोड बाई नंबर सिंबल को इमीडिएटली फॉलो किया जाएगा नंबर के थ्रू सही तो है सही है ये करण तुम गलत पढ़ रहे हो ठीक है तो दोस्तों बी रेगुलर ठीक है आठ से नौ आपकी आज क्लास है स्पेशल क्लास है एंड दिस इज कंप्लीट अब पैंतीस क्वेश्चन का एक टेस्ट होता है ठीक है तो ज्वाइन कर लीजिएगा डेली रेगुलर ज्वाइन करें ठीक है बहुत कुछ आपके लिए प्लान किया है बहुत अच्छा आपके लिए प्लान किया है मेरे को देखते ही लाइक करके चले जाते हैं मतलब मेरे को देखते ही लाइक करके चले जाते हैं मतलब समझ में नहीं आया पढ़ोगे तब क्लियर होगा भाई मेरे को देखने से तुम्हारा मेंस क्लियर नहीं होगा पढ़ने से क्लियर होगा मेंस है ना ये ध्यान रखना और देखो अगर आप सभी मेंस की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ आप ये मैसेज सब तक पहुँचाएँ कि सुबह आठ बजे वो बैंक लड़ रहा है अगर वो प्री की तैयारी कर रहे हैं और प्री के लिए वो बेहतरीन कंटेंट भी चाहते हैं तो वो दो बजे आए डेढ़ से दो घंटे की क्लास होती है तो गाइज़ बी रेगुलर आपको ही रेगुलर होना होगा उन्हीं को ही रेगुलर होना होगा हो तभी आप पढ़ पाएंगे और अच्छा सीख पाएंगे थैंक यू फॉर द अमेजिंग सेशन अच्छा लगा यार आप लोगों से आप लोगों से देखो एक एक लोगों से ही चैन बनेगी अपनी बड़ी चैन बनेगी और वो एक एक लोगों से चैन तभी बनेगी जब हम सब लोग मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे मेरे दो अन्य प्लस के बैचेस चल रहे हैं एक बैच हमारा ये चल रहा है जो कि सुबह दस बजे से बारह बजे तक का है दो घंटे का ये बैच है ठीक है दो हार का बैच है टू हार का और एक बैच अपना चल रहा है शाम को पांच बजे का अनदर बैच ठीक है दिस इज बूस्टर बैच ये हमारा बूस्टर बैच है तो दोस्तों इन दोनों बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग द कोड सचिन टेन इस कोड से आप यूज करिए एंड यूजिंग दिस कोड सचिन टैन यू कैन ज्वाइन दिस बैच आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं इवन दैट मैं आप सभी से बस यही कहूंगा कि अगर आप अन अकेडमी सब्सक्राइब कर रहे हैं इन सभी फैकल्टीज से आप पढ़ सकते हैं इन सभी फैकल्टी से आप पढ़ सकते हैं यूजिंग द कोड सचिन टैन तो अकेडमी पर अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सचिन टैन कोड का यूज करिए यू विल गेट टेन परसेंट डिस्काउंट मैं तो आपसे ये कहूंगा इसे यूज भी करिए और आप अपने दोस्तों को इसे रेफर भी करवाइए ठीक है कि हाँ सभी बच्चे जो है अन अकेडमी प्लस सब्सक्राइब करें यूजिंग द कोड सचिन टेन थर्ड स्टेप में सेकंड कंडीशन है करण समझाता हूं मैं तुम्हें दोस्त समझाता हूं ठीक है ये कह रहा है सेकंड टू द लेटर है ना मतलब कहना वो चाह रहा था कि सपोज करो कि कोई सिंबल है कोई सिंबल है हुँ? तो सिंबल जो आएगा ना वो किसी भी लेटर से सेकंड नंबर पे यानी कि यहां पे एक लेटर होना चाहिए लेटर से सेकंड नंबर पे सिंबल आना चाहिए और ये सिंबल जो है वो फॉलो होना चाहिए किसी नंबर के थ्रू समझो यानी कि अगर ए है यहां पे कुछ भी छोड़ दो यहां पे कोई सिंबल ले लो और यहां पे मान लो फोर ले लो तो सेकंड टू द लेटर है सेकंड टू द राइट ऑफ लेटर एंड फॉलोड बाय नंबर ये वाला पैटर्न वहां पे था कि वाई एन एक्सक्लेमेटरी और देन फोर ये वाला पैटर्न था इसलिए यहां से फिर अपने एन उठाया क्योंकि ये इसके राइट में सेकेंड नंबर पर था ठीक है सर सा आप आराम कब करते हो 18 हार तो आपका क्लास और कंटेंट में निकल जाता है और उसमें चला जाता है भाई बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है यार मुझे पता है कि जब मेरी बॉडी में पेन होता है ना मुझे पता है कि कई बार तो मेरे को सहम नहीं होता है ठीक है लेकिन वही बात है यार लाइफ में कहते हैं ना नो पेन नो गेन जब तक कुछ करोगे नहीं तो कुछ पाओगे भी नहीं तो आप सब लोग दिन रात मेहनत करते हो लगते रहते हो ना छः छः सात सात आठ आठ घंटे लगते रहते हो आपको कई बार पढ़ने की इच्छा नहीं होती फिर भी पढ़ाते हो फिर भी पढ़ते हो मतलब आप लोग मेरे साथ भी यही सेम होता है यार मेरी कई बार पढ़ने की पढ़ाने की इच्छा नहीं होती है उस वक्त मुझे लगता है यार कल नहीं पढ़ाऊंगा रोज़ रात को सब सोता हूँ ना या जब सुबह मॉर्निंग में उठता हूँ तो सोचता हूँ यार आज सुबह क्लास हटा लेता हूँ दो घंटे और सो लेता हूँ पर फिर लगता है कि नहीं यार बच्चे वेट कर रहे होंगे न्यू मेरे माइंड में था कि यार वो यार उनकी आदत लग गई है कि सुबह आठ बजे सचिन सर की मेन सी क्लास पढ़नी है तो मैं फिर उस वक्त ना अपने आप को जगाता हूँ साढ़े पाँच बजे कैसे ना कैसे करके अपने आप को जगाने की कोशिश करता हूँ मतलब साढ़े पाँच बजे उठता हूँ ना तो छः बजे तक अपना माइंड सेट कर पाता हूँ आधे घंटे के दौरान इधर उधर घूमते रहना चाय पी ली ठीक है घूम लिया गाने सुन लिए मतलब आधे घंटे में अपना वो सेट करता हूँ फिर उसके बाद बैठता हूँ और फिर लगातार आठ बजे तक और फिर आठ से साढ़े बजे तक तो मैं मेरे को पता है कि ये सब आपके साथ भी होता है आपके साथ भी होता है ये सब कि आपको भी पढ़ने की इच्छा नहीं होती है कोई भी घर में बोल रहा है पढ़ ले पेपर आ रहा है पढ़ ले पेपर आ रहा है और आपकी पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही है तो आप कैसे ना कैसे करके सेट करते हो अपने आप को कि यार पढ़ लेता हूँ है ना काम आएगा एग्जाम क्लियर होगा इससे मेरा तो पेन और गेन का संबंध है तो यार वो करना पड़ेगा तो मैं प्लीज़ आपसे भी से कहता हूँ यार सपोर्ट करिए आप जब सब लोग ग्रुप में बोलेंगे ना किसी को कि बैंक लेडर पे आओ मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि लाइव ज्वाइन करो एक बार तेरह क्लासेस देख लो एक से लेकर तेरह तक क्लासेस देख लो यूट्यूब पे उससे अंदाजा लग जाएगा कि लाइव क्यों देखना है है ना उसी से अंदाजा लग जाएगा ठीक है तो अगर आप अन अकेडमी प्लस पे ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों तो यूजिंग द कोड सचिन टेन आप यहां पर अप्लाई जरूर करें ध्यान रखिएगा कोशिश मेरी हमेशा होगी कि मैं आपको बेस्ट कॉन्टेंट दे सकूं बेस्ट पढ़ा सकूं जब आपका पेपर निकले तो आप फक्र से बोल सको मैं फक्र से बोल सकूँ ये बच्चा मेरा है जो उस बैंक में काम कर रहा है ठीक है तो बस यही चाहता हूँ तो गाइज जब भी आप अकेडमी पर सब्सक्राइब कर रहे हो या किसी को रेफर कर रहे हो तो जस्ट जस्ट ट्राई कि आपका सचिन कोड अप्लाई हो रहा हो वहाँ पे और यू विल गेट टेन परसेंट डिस्काउंट टेन परसेंट आपको फ़ी में ऑफ मिलेगा अच्छा कल की एक बात बताता हूँ देखो मैं तो भूल गया था बताता हूँ रेडी हो सब लोग देखिए कल वाला वीडियो शायद हमारा पहला वीडियो ऐसा है जो कि इतने नंबर पे पहुँचा है ठीक है बताता हूँ देखो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों ने ये वीडियो रेफ़र किया है 764 जनरली एक दिन में इतना पहुंचता ही नहीं है अपना वीडियो यार साढ़े पाँच सौ छः सौ तक ही ये वीडियो पहुंचता है कल करीब साढ़े सात सौ से प्लस गया है अपना वीडियो मतलब आप लोगों ने इस वीडियो को आगे पहुंचाया है अच्छा लगा देख कर कि, कि यार आप लोगों ने करीब बाईस कमेंट है और कल तो मैं बहुत कम कमेंट पर रिप्लाई कर पाया आज जरूर मैं रिप्लाई करूँगा इनको इन सब बच्चों को लाइक परमिला ने किया कि बेस्ट टीचर फॉर द सेलेक्शन थैंक यू दो कमेंट आए पर मिला के थैंक यू दो कमेंट के लिए है ना सुजॉय का आया प्लीज़ सर क्लास ऑन कार्ड्स पे लीजिए जो प्रीवियस ईयर में मेंस में आया था जरूर सुजॉय तुम्हारी ये विश जरूर पूरी की जाएगी सुजॉय के भी दो कमेंट है पूरा ट्रस्ट है आपके ऊपर गुरु इतना एफर्ट बस क्लास ढूंढ ढूंढ करके ही नहीं मिलेगा मतलब इतना एफर्ट वाला क्लास यूट्यूब पे थैंक्स अलॉड थैंक यू इतना ट्रस्ट के लिए मोनिका थैंक यू सो मच वंडरफुल सेशन थैंक यू बच्चे ऑसम सेशन एक्सीलेंट कॉन्टेंट एंड थैंक यू सो मच ये कौन, ये भी अच्छा लगा माइंड ब्लोइंग राखी श्रीवास पहली बार आए इनका कमेंट शायद थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अस दीज काइंड ऑफ अमेजिंग क्वेश्चन गुड थैंक यू मुजाफिर अमेजिंग सेशन विद अमेजिंग कॉन्टेंट्स ऑफ प्लीज एंड मोर लॉजिकल देखो यहाँ पे आगे ना क्वेरी मैं कह रहा था ना एल आर को लेके इंट्रेंस के क्वेश्चन को लेके मेरे हमेशा गलत होते हैं मैंने आपके लिए ले लिया भाई संजू थैंक यू सो मच चौहान सुनील थैंक यू फॉर टेकिंग फ्री क्लासेस क्लासेस आर वेरी यूजफुल फॉर दोज अनेबल टू पे ऑब्वियसली फॉर मी चलो चौहान सुनील के लिए काम आ रही है क्लासेस तो ऐसे बहुत सारे बच्चे भी होंगे हु? लक्ष्मी ऑसम सेशन थैंक्स सर टेक केयर अर्पित भारती लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन ने हिला दिया और आपकी गुड न्यूज ने दिन बना दिया थैंक यू अर्पित किशन सुमन चौधरी प्रिया अलेख्या करण थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन मैंने बहुत दिन से कोशिश करके बाइनरी कोडिंग प्रॉब्लम सीखने के लिए आज आपसे पढ़ा मतलब पूरा हो गया मतलब इनको बाइनरी कोडिंग नहीं आ रही थी इससे पहले शायद वो सीख नहीं पाए पर अब हो पाया है ग्रेट करण आगे कंसल्ट करण वाओ सर फॉर द मशीन इनपुट आउटपुट फर्स्ट स्टेप वाइज लाइक लव आई हैव डन ऑलमोस्ट हंड्रेड ऑफ मशीन इनपुट आउटपुट बट दिस स्टेप इज इनोवेशन एंड एट इट्स विट्स बेस्ट एंड ऑफकोर्स हुल मशीन इनपुट न्यू इनोवेशन थैंक्स सर कोडिंग कभी ऐसा ही नहीं पैटर्न नहीं देखा चलो तो अच्छी बात है एंड वसा भी थैंक यू वेरी मच फॉर सच अपव नो वन कैन गिव यू अर कॉन्टेंट लाइक दिस आई एम वेरी लक्की टू हैव यू एज अ माई ग्रू ग्रू जी एवरी डे देर विल बी अ न्यू इनोवेशन न्यू आइडिया सिंपली सुपभव थैंक यू एवरी वन थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पर क्या आपको लगता है कि ये वीडियो केवल 764 तक ही जाना चाहिए था क्या आपको लगता है अगर आपको लगता है नहीं इस वीडियो पे थोड़ा और पुश होना चाहिए और ये एक दिन में करीब 2000 हजार 1500 पंद्रह क्रॉस होना चाहिए अगर आपको लगता है तो गाइज पुश दिस वीडियो आप पुश करेंगे इस वीडियो को आप पुश करेंगे डेली के वीडियोज को आप शेयर करिएगा ठीक है अगर आपको लगता है सर डेली क्लास होगा बिल्कुल डेली होगा डेली पढ़ाएंगे अपन तो है ना चलो तो अगर आपने सब्सक्राइब किया सचिन तेंदुल डाला अप्लाई किया उसके बाद आप देखेंगे आपकी फ़ी कम हो गई और आप अपने कॉइन को भी यूज़ कर सकते हैं रिडीम कर सकते हैं और उससे भी आपकी फ़ी और कम हो जाएगी और देन आप उसे क्या कर सकते हैं पे कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो दिस इज बेस्ट टाइम आप देखते हैं कितने बच्चे कॉमेंट करेंगे है ना आज का हमारा टारगेट रहेगा कॉमेंट का फिफ्टीन ठीक है पंद्रह कॉमेंट होनी ही होनी चाहिए लस्सी कितने बच्चे पंद्रह कमेंट करेंगे ये टारगेट आपका हमारा आज का चलो सो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों अच्छा लगा <coughs>